यह तस्वीर गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता उदाहरण है। हम लोग जहां जाति धर्म के झगड़ों में उलझे रहते हैं, वहीं इस मंदिर में हिंदू मुस्लिम एक साथ पूजा और इबादत करते नजर आते हैं। यह अनोखा मंदिर कानपुर देहात के डेरापुर जंगलों के बीच है। श्री कपालेश्वर महादेव के मंदिर को लोग पीर पहलवान के नाम से भी जानते हैं, सैयद बाबा यानी पीर और भोले बाबा यानी पहलवान। इस मंदिर में जहां हिंदू भगवान भोले के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, वहीं मुस्लिम सैयद बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। यहां पे सैयद बाबा और शंकर बाबा दोनों विराजमान हैं, मतलब हिंदू मुसलमान सब पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह मंदिर 1894 में बना था। इलाके के जमींदार कन्नौजी लाल मिश्रा ने इसका निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कन्नौजी लाल को सपने में जंगलों के बीच एक शिवलिंग दिखाई दिया और उसमें से खून निकल रहा था। अगले दिन जब वो वहां पहुंचे तो वास्तव में उस जगह पर शिवलिंग था। जब शिवलिंग की तह जानने के लिए खुदाई करवाई गई तो नीचे सैयद बाबा की मजार मिल गई। इसके बाद उन्होंने इसी जगह पर मंदिर का निर्माण करा दिया। बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल से ऊपर का मंदिर, पर बाबा को सपना हुआ था, उसके बाद ये शिवलिंग जो है अपने आप ऐसे निकला हुआ है। शिवलिंग के साथ साथ क्या मजार के अपने आप? हाँ, अपने आप। गुजरते वक्त के साथ मंदिर की ख्याति भी बढ़ती गई और हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ आने लगे। इस मंदिर में पूजा पाठ को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ के लोग इस मंदिर को शिव और सैयद की दोस्ती का प्रतीक भी मानते हैं। आज भी यह मंदिर इलाके में आपसी भाईचारे की ज्योत जला रहा है।